जैसा कि मैंने आपको आज बताया था कि मैं दूसरा पिज्जा जो इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं वो है मंचूरियन पिज्जा। तो गाइज ये है मंचूरियन पिज्जा, प्लीज इसको जूम कीजिए आप। ये है मंचूरियन पिज्जा, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें मंचूरियन की पूरी बॉल मैंने डाली है। एक बड़े वाले पिज्जा में मंचूरियन की 5 बॉल्स डाली थी मैंने। तो मैं अभी इसको टेस्ट करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या फ्लेवर है और ये किस तरीके का लग रहा है। इसके अंदर जैसे कि आप देख पा रहे हैं शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, ऑलिव और चीज़ भरपूर मात्रा में, और ओरिगैनो, चिली फ्लेक्स वगैरह सब कुछ डाला हुआ है। तो प्लस इसमें मंचूरियन की बॉल्स भी हैं जिसको कि हमने ग्रेवी में डालकर इसमें रखा था। तो हम इसको टेस्ट करके आपको मैं आपको बता दूँ कि कैसा लग रहा है मंचूरियन। दिस इज मंचूरियन पीस। इन शॉर्ट सभी को ये वाला पिज्जा जरूर ट्राई करना है, समोसा स्वीट करके मंचूरियन पिज्जा। इसके अंदर का जो फ्लेवर है, पिज्जा का जो फ्लेवर होता है वो तो है ही, प्लस मंचूरियन और मंचूरियन के साथ ग्रेवी, हल्की सी जो ग्रेवी हमने बॉल को ग्रेवी में डालकर जो उसमें रखा गया, उसका जो फ्लेवर है इतना ज़्यादा बेहतरीन है कि हम पिज़्ज़ा का टेस्ट भी भूल जाते हैं जब मंचूरियन की बॉल हमारे मुंह में आती है। और इस मंचूरियन में भी हम लोग समोसा स्ट्रीट पे जो मंचूरियन बनता है उस मंचूरियन के अंदर बंद गोभी, गाजर, शिमला मिर्च, पटेटो, पनीर, लहसुन का पेस्ट जो भी होता है, इन सब चीज़ों से हम लोग मंचूरियन बनाते हैं। बहुत ही ज़्यादा स्वाद है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आप लोग जरूर समोसा स्ट्रीट पे आए और मंचूरियन पिज्ज़ा जो हमारा नया आज मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ इसको आप लोग जरूर टेस्ट करें। और इसका क्या प्राइस होगा ये मैं आपको बहुत ही जल्दी अपने समोसा स्ट्रीट द्वारका के फेसबुक पेज पे मैं जरूर आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो आप लोग जरूर आए उसको ट्राई करें, मुझसे रहा नहीं जा रहा है इतनी बातें करने में। मंचूरियन की बॉल पिज्जा के अंदर कितनी ज्यादा अच्छी लग रही है आप देख सकते हैं। तो ये है मंचूरियन पिज्जा, आप लोग जरूर आए।